हाय गाइस, वेलकम बैक टू देयर चैनल। मैं हूं पूनम। ये है, ये कौन है? अरे मैं इसका नाम ही भूल गई। ये कौन है, आपको पता है क्या ये कौन है? हां, बंद कर दिया है ये। नहीं, दिया तो ऐसी नहीं होती अपनी, जिपली बार कर दी। सो ये रहे ये। हाय गाइस, अभी मॉर्निंग से व्लॉग स्टार्ट ही नहीं किया था मैंने, क्योंकि जल्दी जल्दी काम करने में लगी हुई थी। एक्चुअली कल मैंने आपको बोला था कि मुझे वैक्सीन लगवाने जाना है, बट कल संडे था तो हॉस्पिटल बंद था तो नहीं जा पाई। आज जाऊंगी, तो इसलिए जल्दी जल्दी काम किए, सारे खाना वगैरह सब बना लिया है और इसको भी नहला दिया, ये भी नहा लिए। तो आज मैंने बनाया है पालक पनीर की सब्जी, फटाफट से खा के और फिर हम लोग जाएंगे वैक्सीन लेने। कहते हैं ना कि खाना खा के जाना चाहिए वैक्सीन लेने के लिए, है ना, फुल पेट होना चाहिए। तो बस पहले तो आराम करूंगा। इनको थोड़ा सा आज कोल्ड भी हो गया है और मेरे को वैक्सीन लगाने जाना है। तबीयत पता नहीं, मेरी तो परसों से ये हाथ अभी भी इतना अच्छे से काम नहीं कर रहा है, बट ठीक है, काम तो करना ही है, इसलिए बस काम कर जा रही हूँ। और फिलहाल हम लोग खाना खा लेते हैं, देन हम लोग जाएंगे वैक्सीन लगाने के लिए। फिर मिलती हूँ आपसे सीधा शाम में, अगर आज पता नहीं ब्लॉग बन पाएगा कि नहीं, क्या होगा, चलो देखते हैं। चलिए गाइस, मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। स्लेट ले लो, जाओ अब छोड़ के आ रहे हो क्या? मैं छोड़ के आऊँ? ठीक है, छोड़ के आओ। जैकेट पहनना आपको, नहीं। देखो ठंड है कि इसको भी पहनाऊँ जैकेट? सुना नहीं, नहीं। पक्का आपको लग रही है तो पहन लो, बारिश आ रखी है बाहर। सो गाइज, मैंने कल भी वीडियो में मेंशन किया था कि मैं कोविड वैक्सीन लगवाने जाऊंगी, आज भी मेंशन किया था मॉर्निंग में, बट इनकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई, इनको इतना ज़्यादा जुखाम वगैरह हो गया और मतलब कि इनका सिर वगैरह दुखने लग गया। तो इस हालत में अगर ये वहाँ चलते मेरे साथ, वहाँ उनको अलाउ ही ना करते अंदर जुकाम वगैरह में, तो फिर इन्होंने टैबलेट ले ली 2 बजे के आसपास और ये सो गए। बोले मुझे चलते हैं 2:30 बजे, बट ये सो गए। फिर मैंने सोचा चलो छोड़ो, अब दिया को भी सुला देती हूँ, टाइम भी हो गया है, अब कल जाएंगे, कल देखेंगे क्या होता है। क्योंकि बंदे की तबीयत ख़राब नहीं है, बंदे को फोर्स करके लेके जाऊँ वहाँ पे, अलाउ ही ना करे वो लोग जुकाम में, हालत देख के इनकी। और आज फिर कपड़े भी ऊपर डाले थे, धोए थे, आज मंडे था एक्चुअली। आज ना मंडे को वैसे छुट्टी नहीं होती है दिया की, बट आज पता नहीं क्यों मैम चार चार छुट्टियाँ, तीन तीन छुट्टियाँ वीक में एक बार इकट्ठी दे रही है। तो आज दिया की क्लास नहीं थी मॉर्निंग में, तो मैं उठ गई थी जल्दी, फिर मैंने पूजा वगैरह की, घर के सारे काम जो है जल्दी जल्दी फिनिश किए, खाना वगैरह बनाया ताकि मेरे को मैं जा सकूँ वैक्सीन के लिए। बट जो होता है अच्छे के लिए होता है, चलो कल देखते हैं, अब कल जाएंगे। और ना, और मैंने मॉर्निंग में मशीन वगैरह लगाई थी, कपड़े वगैरह धोए थे, तो ये ऊपर डाल के आ गए थे लगभग 11:30 बजे के आसपास। तो मैंने सोचा मैं उतरवा लूँगी, मौसम है ना, मॉर्निंग सुबह से ही ख़राब था, धूप आ रही थी जा रही थी, मैंने यही उठते ही बोला, जिस दिन मेरे को कपड़े धोने होते तो उस दिन हमेशा मौसम ख़राब हो जाता है यहाँ पे, अब पता नहीं क्या होगा। बट ऐसे लग नहीं रहा था कि बारिश आएगी, ऐसे बस बादल आ रहे थे और जा रहे थे, मूव कर रहे थे, धूप भी आ रही थी। बट फिर हम लोग सो गए 3 बजे, मैं सो गई 3:30 बजे और ये तो 2 बजे सो गए थे। और फिर दिया को भी मैंने सुला दिया था, तो फिर एकदम से मेरी जाग खुली 4 बजे, क्योंकि मैं विंडो के बिल्कुल पास में सोई थी तो बारिश का साउंड आ रहा था। मैंने सोचा लो गए कपड़े, सारे के सारे कपड़े भीग गए जो भी आज धोए थे। और फिर अब उनको क्या उतारना, ऊपर से गीले कपड़ों को फिर नीचे लेके आओ, फिर ड्रायर करके वहाँ कहाँ पर उनको डालूंगी, तो पड़े रहेंगे आज कल। अगर टाइम होगा तो कल मॉर्निंग में उनको फिर से एक बार रिंस करके और स्पिन कर दूंगी, वॉश सूख जाएंगे, फिर दोबारा से सुखा देंगे। और ना इतना सांस फूलने लगे है ना बात करते 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 करते। और आज इन्होंने ही चाय बनाई थी, इन्होंने मेरे को उठाया था 4:30 बजे के आसपास की चाय पिए कि मैं बना देता हूँ, तो इन्होंने चाय बना ली थी, तो चाय वाय हमने पी ली। दिया को मैंने फिर उठ के दूध दे दिया, दिया को ट्यूशन भेज दिया, अभी 5 बज गए। तो मैं 2 दिन से यही सोच रही थी कि मैं वैक्सीन लगवा के आऊँगी, तो मुझे ना मलाई का घी निकालना था, तो उसमें हाथ का पूरा काम है, तो मैं सोच रही थी कि मैं बाद में निकालूंगी वैक्सीन के 2 दिन बाद, पर आप सोच रही हूँ आज निकाल लेती हूँ, 2 दिन से उसको डिले कर रही हूँ, आज मलाई का घी निकाल लेती हूँ, कल फिर मैं वैक्सीन लगाऊंगी, तो कल से फिर काम नहीं हो पाएंगे। सो आज बस यही, अभी मैं घी वगैरह निकाल लेती हूँ, जो मेरे घर के काम है फिनिश कर लेती हूँ। और दिया तो अभी गई है ट्यूशन, 1.5 घंटे बाद ही आएगी। तो चलिए गाइस, मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद,
और मैंने कल फ्लिपकार्ट से 3 ड्रेसेस मंगवाई थी, जिसमें से मैंने 2 रिटर्न कर दी, क्योंकि ना एक ड्रेस में तो ना एक की बाजू मुझे फंस रही थी और थोड़ी लूज थी, अनारकली पैटर्न वाली वाइट कलर की, और एक ब्लू वाली को जैसे बाजू ऊपर कर दी तो पूरा ऊपर ड्रेस चढ़ रही थी। अभी ग्रीन सिर्फ एक रखी है मैंने, वो भी इसलिए कि उसके ऊपर मैंने एक जैकेट मंगवाया वाइट कलर का, वो अभी तक आया नहीं है, इसी के साथ ही ऑर्डर किया था, वो आ जाएगा, फिर उसको पहन के देखूंगी, अगर दोनों सेट बैठ रही हैं अच्छे से तो रखूंगी, इसको भी नहीं तो इसको भी वापस दे दूंगी, फिर मैं मीशो से कुछ ऑनलाइन ऑर्डर कर लूंगी। तो चलिए गाइस, मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद। सो गाइस, दिया देखो ट्यूशन से आ गई, और इसके इसकी शरारत देखो, नई नवेली दुल्हन, नई नवेली छोटी सी दुल्हन, पैर तो छू हमारे, एलियन बनी है कि दुल्हन बनी है समझ में नहीं आ रहा है। पूजा देवी बनो। हाँ? क्या पूजा देवी? पूजा देवी ये क्या होता है? क्या पूजा देवी ये क्या होता है? ये क्या होता है? क्या होता है तो हमको एलियन लग रही है, एलियन लग रही है हमको, कुछ और बन के आती हूँ। सो गाइस, ये ट्यूशन से आ गई, इसकी शरारत चालू है। मैं यहाँ पर निकाल रही हूँ अपना मलाई का घी, जो कि मैं 2-3 दिन से सोच रही थी निकालने के लिए, टाइम ही नहीं मिल रहा था, कभी डॉक्टर के पास जाना पड़ रहा था, कभी कुछ कभी मार्केट, तो अभी घी निकल रहा है। और ये देख, ये राउंड लगा रहे हैं, ऑफिस का काम कर रहे हैं साथ में, और वहाँ देखो इसको फिर से शरारत शुरू। क्या बन गया भूत? या स्टॉप, पापा की मीटिंग है। पहले जूस फिनिश करो। हाँ मैं देख लूंगी, पहले जूस फिनिश करो, छोड़ो। सो दिया मेरी पी रही है यहाँ पर जूस, और मैं बना रही हूँ मलाई का घी, और इसके बाद मैं बनाऊंगी खाना। तो आज इनको ना जुखाम है, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं फिर से कढ़ी बना लेती हूँ, क्योंकि कढ़ी पीने में अच्छी लगती है, जुखाम में ना बहुत ज़्यादा सही होती है, मतलब हम लोग कढ़ी पी लेते तो थोड़ा बहुत ऐसा लगता है गर्मी सी फील हो रही है शरीर में, पता नहीं हमें ऐसा लगता है, बट कढ़ी अच्छी होती है जुखाम में। तो कढ़ी बना लूँगी, राइस बना लूँगी, दोपहर में बनाई थी पालक पनीर वो भी रखी हुई है, रोटियाँ भी रखी हुई है अभी तक, क्योंकि मैंने आज सादा खाना खाया ही नहीं, भूख नहीं थी आज इतनी। चलिए मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद। अभी देखो फिलहाल जब मलाई का घी निकालते हैं ना, तो ऐसे बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं, आते तो मैंने यहाँ रख दिए हैं, और पनीर भी मैंने निकाला है, क्योंकि मलाई के घी में से मैं पनीर भी निकालती हूँ, तो पनीर निकाला है। मक्खन मैंने आज नहीं निकाल के रखा, क्योंकि पूरा घी निकाल दिया मैंने जितना मक्खन निकला था। तो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद। हाय कर दो। हाय गाइस। दिया आ जाओ, चलो दिया आ जाओ। सो गाइस, आज इनकी तबीयत ठीक नहीं है, जुकाम हो गया है, थक गए, और इस वजह से मैंने भी आज ज्यादा थका देता है ना, इस वजह से आज मैंने भी ज्यादा कुछ वीडियो बनाया नहीं है, क्योंकि इनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो ज्यादा आज ये खेले वेले नहीं है, तो वो टेक वगैरह कुछ भी नहीं है, क्योंकि और दिया भी आज ऐसे ही है, थोड़ी अपने काम में बिजी, अपने मूड ना अपना ही खेल रही है, अलग से अपने ही खेल रही है, और हम लोग का खाना भी हो गया, और आज ना बहुत बारिश आ रही है, तो हम लोग बाहर राउंड पे नहीं गए, दोपहर में तो तबीयत ठीक नहीं थी, तो भी हम लोग सो गए थे, और ना अभी भी हम लोग बाहर नहीं गए, जैसे ही बाहर निकले राउंड के लिए सोचा थोड़ा सा राउंड लगा आते हैं, थोड़ा ठीक हो जाएगा, बट बाहर निकलते ही बारिश आ रही थी, तो फिर वापस आ गए अंदर, और कल जाएंगे हम लोग मेरी वैक्सीन लेने के लिए, आज जा नहीं पाते, भी ठीक नहीं थी ना। हाँ कल जाएंगे, और कल इसका स्कूल भी है, इतने दिन से तो इसका स्कूल ही नहीं था, 4 दिन हो गए छुट्टी चल रही है स्कूल की, तो कल स्कूल भी है, तो जल्दी उठना हम लोगों को, अभी हम बस सो जाएंगे जल्दी। तो गाइस, आई होप कि आपको आज का छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो उनको लाइक करें, चैनल पर नए आए चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए।